हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BAMS लेक्चर्स में। तो कल हम लोगों ने ज्वर प्रकरण स्टार्ट किया था। जैसे कि मैं आपको बता चुकी थी कि हम निदान स्थान स्टार्ट करे हैं और सबसे पहले हम उसमें ज्वर प्रकरण पढ़ रहे हैं। तो कल हमने पंच निदान के बारे में समझा था कि भाई पंच निदान में क्या क्या आता है। तो हमने उसमें देखा था कि हेतु, पूर्व, रुग्रु, उपश और संप्राप्ति, ये सब पंच निदान के अंतर्गत आता है। अब आज हम पढ़ेंगे ज्वर प्रकरण के बारे में। तो पहले आचार्य चरक ने सबसे पहले चरक संहिता में जो ज्वर प्रकरण बताया गया है उसके अंदर सबसे पहले उन्होंने पंच निदान का वर्णन किया। उसके बाद से इन्होंने अब यहाँ से जो है सेकेंड पार्ट में इसके चैप्टर के जो है इन्होंने ज्वर प्रकरण का वर्णन किया है। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि यहाँ पर शारीरिक रोगों में ज्वर प्रथम हुआ है, इसलिए रोगों में पहले ज्वर का ही उपदेश करेंगे। तो उन्होंने बोला कि भाई सबसे पहले जो है ज्वर की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए आचार्य चरक ने सबसे पहले जो है ज्वर का ही वर्णन जो है वो किया है। ये चीज़ मैं आपको कल भी बता चुकी हूँ कि इन्होंने माना था कि भाई जो ज्वर की उत्पत्ति है वो सबसे पहले हुई थी, इसलिए हम जो है ज्वर की व्याख्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने बताया गया है कि ज्वर के 8 भेद, जैसे कि हम पीछे कल हमने पढ़ा था जब हमने संख्या संप्राप्ति पढ़े थे तो हमने उसमें पढ़ा था कि भाई ज्वर के 8 भेद होते हैं, गोलम के 5 भेद होते हैं, इस प्रकार से अलग अलग जो व्याधि है उनके अलग अलग भेद होते हैं। तो आचार्य चरक ने जो है ज्वर के भेद 8 भेद बताए। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि आचार्य चरक ने जो है ज्वर के कितने भेद बताए, तो आचार्य चरक ने जो है ज्वर के 8 भेद बताए। कौन कौन से? तो देखिए वात पित्त कफ, वात पित्त, पित्त कफ, वात कफ, वात पित्त कफ, संधिपात ज्वर, आगंतुष। तो इस प्रकार से जो है इन्होंने 8 प्रकार के ज्वर का वर्णन किया है। उसके बाद इन्होंने बोला कि भाई अब हम निदान पूर्व रूप उपश और संप्राप्ति का जो है वर्णन यहाँ पर करेंगे। तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि सभी तरीके से, मतलब जो ये जो पूर्व पंच निदान है उन सभी का वर्णन जो है यहाँ पर किया जाएगा। इसीलिए इन्होंने सबसे पहले पंच निदान एक्सप्लेन की थी। ये हर व्याधि में बेसिकली ये चरक संहिता में ऐसे ही बताएंगे कि भाई किस प्रकार से जो है हेतु, पूर्व रूप, रूप, उपश और संप्राप्ति का जो है वर्णन यहाँ पर किया गया है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने बताया वात ज्वर के निदान क्या क्या। तो हमें ये पता है कि भाई वात ज्वर है तो कौन कौन से उसके निदान होंगे, तो भाई उसका आर व्यार कैसा होगा, तो रुक्ष, लघु, शीत, है ना, वमन, विरेचन, आस्थापन। तो देखिए इसको हम कैसे याद करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि रस कौन कौन से, यह गुण कौन कौन से। तो देखिए वात है तो रुक्ष, लघु, शीत गुण होगा ही होगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर पंचकर्म में वमन, विरेचन, आस्थापन और शिरोविरेचन, यानी चार जो पंचकर्म है वो यहाँ पर उन्होंने बता दिए हैं, चार पंचकर्म। तो हम बेसिकली इसको याद करने का थोड़ा तरीका देख रहे हैं बेसिकली, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हमारे एग्जाम्स होते हैं ना तो हम ऐसे याद कर लेते हैं कि भाई वातिक ज्वर है तो वातिक ज्वर में तो वात के लक्षण होंगे वो हम लिख देंगे। बट कहीं कहीं बार आपको ना बहुत स्पेसिफिक लक्षण लिखने होते हैं जो कि आपको याद नहीं आते हैं और आप वही लक्षण जो है बार बार एग्जाम में लिखते हैं। तो इसलिए ताकि ऐसा ना हो इसलिए आपको बहुत स्पेसिफिक लक्षण याद करने की जरूरत है। बेसिकली निदान स्थान में आपको निदान पूर्व रूप रूप पढ़ा है इसीलिए जाते ताकि आप बिल्कुल स्पेसिफिक लिखते हैं। जब एग्जामिनर आपसे वातिक ज्वर पूछ रहा है तो वो आपसे स्पेसिफिक लक्षण पूछना जाता है, ना कि वो जो आप कॉमन सब में लिखते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक लक्षण याद करने की कोशिश करेंगे। जैसे सबसे पहले तो हम ये याद कर लेते हैं कि भाई गुण कौन कौन से, तो ये आपको पहले से ही याद है कि भाई वात है तो उसमें कौन कौन से गुण होंगे, है ना, वात है तो उसमें बेसिकली कौन कौन से, तो रुक्ष, लघु, शीत आदि गुण होंगे। फिर इसके बाद से हम इसको याद कर लेते हैं कि भाई इसमें वमन, विरेचन, आस्थापन, शिरो विरेचन आदि जो है पंचकर्मा के प्रोसेस भी उन्होंने एक्सप्लेन किया। फिर उसके अलावा अति योग से व्यायाम, ये अपन को पता है कि विहार क्या क्या होगा, तो भाई व्यायाम, अधिक व्यायाम करने से, अधिक वेग संधारण करने से, अधिक मैथुन करने से, है ना, अधिक रक्तपोषण करा लेते, रात्रि में जगने से रुक्षता बढ़ जाती है, अपन को पता है पहले से। इस प्रकार से जो है वातिक ज्वर का निदान यहाँ पर बताया गया है। फिर उसके बाद देखिए वातिक ज्वर की संप्राप्ति, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आपको ये श्लोक याद कर लेना चाहिए। सायता प्रकोपिता प्रवेश आमाशय उष्मणाम सा मिश्री भूयात आर परिणाम कर धातुम रसना नाम अन्ववेत्य रस वेद वाहिनी श्रोतांची पिधाय अग्नि उपत्यम भक्ति स्थान उष्मणाम बहिर्निरस केवलम शरीर अनुप्रपद्यते तद ज्वर अभिनिर्वर्त्यति। तो बेसिकली यहाँ पर जो वात पित्त कफ तीनों ज्वरों की संप्राप्ति अलग अलग बताई गई है। वात की स्पेसिफिक अगर आपसे पूछे कि भाई ज्वर की कॉमन संप्राप्ति लिखे, तो यहाँ पर आचार्य चरक ने ज्वर की कॉमन संप्राप्ति का वर्णन ना करते हुए वात पित्त कफ जो ज्वर है उनकी अलग अलग संप्राप्ति का वर्णन किया है। तो सबकी संप्राप्ति का जो श्लोक है वो बिल्कुल कॉमन ही है, कि बहुत स्लाइट चेंजेस हैं जो कि मैं आपको बता दूंगी कि भाई किसमें क्या क्या है, किसमें क्या क्या नहीं है। तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगी कि यहाँ पर जो है आप ये संप्राप्ति का जो श्लोक है अगर आप उसे याद कर लेंगे तो आपके बड़ा काम आएगा। रोग निदान में भी ज्वर आता है, इसमें भी ज्वर आता है, तो आप जो है ज्वर की संप्राप्ति लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर बहुत अच्छे मार्क्स देगा और ये उतनी भी डिफिकल्ट नहीं है, आप बहुत इजीली इसको याद कर सकते हैं। तो देखिए आगे ज्वर की संप्राप्ति में क्या बताया गया है। तो बेसिकली हम मोटा मोटा पहले मैं आपको समझा देती हूँ बेसिकली ज्वर कैसे उत्पन्न होता है। तो देखिए जब हमारा जो शरीर होता है, ठीक है, उसमें हमको पता है कि अग्नि होती है ना, अग्नि पचाती रहती है और खाना हमारा पचता रहता है। तो बेसिकली जब हम वातिक आहार विहार का सेवन कर लेते हैं तो क्या होता है, अग्नि जो होती है वो विषम हो जाती है। अब अग्नि विषम हो जाएगी तो वह आहार ठीक से नहीं पचाएगी। हाँ, तो बेसिकली मैं, है ना, ये आपको बता रही थी कि जब
अग्नि जो होती है वो विषम हो जाती है, तो उसके कारण क्या होता है? तो आप सबसे पहले अपन को पता है कि कौन सी धातु बनती है, रस धातु बनती है। तो इसमें क्या होता है, जब अग्नि विषम हो जाती है ना, तो रस धातु ना प्रॉपर नहीं बन पाती है। तो जो आद्य रस धातु होती है उससे क्या बन जाता है, आम। वो जो आद्य रस धातु होती है, आद्य शब्द का अर्थ होता है अपक्व रस धातु। तो जो अपक्व रस धातु होती है ना, वही बेसिकली आम होती है, जो कि क्या करती है, वो जो श्रोतस होते हैं आंगे की, रक्तवाह श्रोतस को क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है, जिसके कारण से जो है आंगे का भोजन नहीं जा पाता है और आंगे की धातुओं का निर्माण नहीं हो पाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जो अग्नि, ये जो आम होता है वो अग्नि को जो है आमाशय से बाहर निकाल कर फेंक देते हैं, जिससे क्या होता है, सबसे पहले कोल्ड टेम्परेचर बढ़ता है और उसके बाद जो है सरफेस टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसके कारण से ज्वर की उत्पत्ति होती है। बेसिकली हमारी बॉडी में दो तरीके के टेम्परेचर होते हैं, एक होता है कोल्ड टेम्परेचर और एक होता है सर्फेस टेम्परेचर। बहुत सारे लोगों को इस बारे में नहीं पता होता है, इसीलिए जब ज्वर आता है तो बेसिकली लोगों को लगता है कि अंदर से हरारत हो रही है। जैसे आपने कभी सुना होगा कि भाई हमें ऐसा लग रहा है बट अभी ज्वर आया नहीं है, उसका रीजन यही है कि सबसे पहले कोल्ड टेम्परेचर बढ़ता है, जब कोल्ड टेम्परेचर बढ़ जाता है उसके बाद जो ज्वर होता है वो सर्फेस पे आता है, उसके बाद सरफेस टेम्परेचर बढ़ता है। तो देखिए हम इसमें अंदर पढ़ते हैं कि भाई ऊपर के कारणों से प्रकोपित वायु जब आमाशय में आकर क्या हुआ, वायु कारणों से वायु प्रकोपित हो गई, फिर क्या हुआ, आमाशय में आकर ऊष्मा से मिलकर और आहार के पक जाने पर मिलकर बना हुआ पहला रस नामक धातु से मिलकर रस, और तो क्या हुआ, आद्य रस धातु जो है वो रस और श्वेत श्रोतस को क्या कर दे रही है, बंद कर दे रही है और अग्नि की शक्ति को नष्ट करके भक्ति स्थान से अग्नि को बाहर निकालकर संपूर्ण शरीर में फैला देती है, जिससे ज्वर की उत्पत्ति होती है। मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश करी, लेकिन अगर फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो एक बार आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपको दोबारा से ये टॉपिक एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, इसके बाद देखिए वातिक ज्वर के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसमें आप याद कर सकते हैं कि भाई विषम आरंभ विसर्गत्वम, यानी कि जो वातिक ज्वर होता है ना वो विषम आरंभ और विसर्गत्वम, यानी कि प्रारंभ और विसर्ग करते समय उसका अनियत वेग होता है, मतलब कभी आता है कभी जल्दी, कभी तेज आएगा कभी धीमे आएगा, कभी उसका कुछ वेग का कुछ निश्चय नहीं होता है। तो अगर आप लक्षण चाहें तो आप थोड़े थोड़े श्लोक से छोटे छोटे कोटेशन याद कर सकते हैं, और अगर नहीं चाहते तो आप हिंदी भी याद कर सकते हैं कि भाई विषम आरंभ विसर्गी होता है, यानी प्रारंभ और विसर्ग करते समय जो है अनियत वेग वाला होता है। फिर उसके बाद से ताप घटता बढ़ता रहता है, फिर ज्वर कभी तीव्र होता है कभी हल्का होता है, भोजन पचने के बाद दिन के अंत में रात्रि के अंत में वर्षा ऋतु में वेग के उस ज्वर के वेग आने पर बढ़ जाना, विशेषकर नख नेत्र मुखमंडल मधुमूत्र त्वचा में, ये आप हर ये पॉइंट आप हर उसमें लिख सकते हैं कि भाई जो नख है नेत्र है मुखमंडल है मल मूत्र और त्वचा का जो कलर है वो कैसा हो जाएगा, रक्त वर्ण का श्याव वर्ण का, क्योंकि वात का बेसिकली कलर यही होता है। ठीक है, फिर उसके बाद से मलमूत्र का रुक जाना है ना, ये कॉमन लक्षण है कि भाई वात है तो रुक जाएगा, क्योंकि हर चीज़ के चलते उनका कारण वात ही होती है। फिर भिन्न भिन्न अंगों के अनुसार के अनेक प्रकार की चल या अचल जो है चेत वेदना का होना, फिर उसके बाद जैसे जैसे कि मैं क्या बता रहे हैं कि भाई जैसे पैरों में शून्यता होना है ना, पिंडिकाओं में ऐठन हो जाना, फिर उसके अलावा क्या होता है कि जानु संधि में या सारे शरीर की संधि में विश्लेषण है ना, यानी कि अर्थात संधियाँ खुल गई हों ऐसा, मतलब कि इतना ज़्यादा पेन होता है एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमको पता है वात का लक्षण क्या होता है, बेसिकली शूल की उत्पत्ति, जहाँ जहाँ वात है वहाँ वहाँ शूल होगा। तो इसीलिए इसमें क्या होता है, इस तरीके का लगता है कि जैसे सभी जॉइंट्स हैं वो खुल गए, यानी इसलिए मतलब अत्यधिक पीड़ा की उत्पत्ति बेसिकली इनका यहाँ पर मतलब ये है। फिर उरुओं में शिथिलता यानी स्टिफनेस ऑफ द थाई देखने को मिलेगा, कटी पार्श्व पीठ कंधा बाहु आंस और छाती में टूटने के समान वेदना होती है ना, मर्दित यानी मथने के समान, तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा। बेसिकली ये आप ध्यान रखिए कि सुई चुभने के समान पीड़ा, मुख में कसैला पर ना विरस्ता का होना है ना, आक्षेप वगैरह का हो जाना। तो बेसिकली जो वात के कारण जो डिजीजेज होती हैं, वात के कारण जो भी लक्षण अपन को दिखाई देते हैं वो सारे लक्षण जो है अपन वातिक ज्वर के अंतर्गत लिख सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए इन्होंने पित्त ज्वर का निदान बताया, तो ये भी अपन को वैसे याद ही है ना कि भाई क्या किस तरीके का खाना खाएंगे, तो उष्ण खट्टा लवण खार अगर इस तरीके का हम खाना खाएंगे, अजीर्ण में भोजन करने के और तीक्ष्ण धूप अग्नि या अधिक तापना श्रम क्रोध वगैरह अगर हम करेंगे तो उससे क्या होगा, पित्त का प्रकोप हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए पित्त ज्वर की संप्राप्ति, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि बहुत स्लाइटली अंतर है, तो देखिए इसमें भी बिल्कुल वही है कि दद्यता प्रकोपिता आमाशयात उष्मणत उपसृज्य आद्य आहार परिणाम करता है। तो यहाँ पर ये जो उपसृज्य आद्य बेसिकली ये एक एक्स्ट्रा वर्ड है, और यहाँ पर जो है द्रवत्वाद अग्निम उपत्यम, बेसिकली यहाँ पर इन्होंने ये बताया है पित्त ज्वर की संप्राप्ति जब अभी हम पढ़ेंगे तो उसमें इन्होंने ये बताया कि बेसिकली जो पित्त जो होता है ना दोष, उसमें जो उसका द्रव गुण होता है उसके कारण से जो है अग्नि की मंदता होती है, जिसके कारण से जो है ज्वर की उत्पत्ति होती है। मतलब इन्होंने जैसे हमने पढ़ा था ना, मैंने कल आपको बताया था कि जो विकल्प संप्राप्ति होती है उसमें हम ये जानते हैं कि भाई अंशांश कल्पना के कारण
मतलब जिस प्रकार से जो है व्याधि की उत्पत्ति, तो बेसिकली इन्होंने ये बताया है कि जब भाई पित्त के पित्त ज्वर कैसे होता है, तो पित्त के प्रकोपित हो जाने से पित्त प्रकोपित आहार वगैरह का हमने सेवन किया, ठीक है, उससे क्या हो पित्त को, लेकिन उन्होंने बोला कि पित्त के भी जब बेसिकली उसका जो द्रव गुण होता है जब वो प्रकोपित होता है, पित्त में भी पित्त का जो द्रव गुण होता है जब वो प्रकोपित होता है तब जा करके जो है पित्त ज्वर की उत्पत्ति होती है, ऐसा आचार्यों ने बताया है। तो इन्होंने अंशांश कल्पना के बारे में यहाँ पर जो है व्याख्या करी, इसीलिए यहाँ पर टर्मिनोलॉजी का यूज़ किया गया है, द्रवत्याद अग्नि उपत्यम, ठीक है। तो आप एक बार संप्राप्ति देख लीजिए, संप्राप्ति सबकी कॉमन ही रहेगी कि भाई इस प्रकार से प्रकोपित पित्त आमाशय से ऊष्मा के साथ लेकर के आहार विहार के परिणाम स्वरूप आदि रस नामक धातु से मिलकर के रस एवं श्वेत वाष्प को बंद कर द्रव होने के कारण अग्नि को नष्ट कर फिर पाक स्थली से अग्नि को बाहर निकालकर पीड़ा उत्पन्न करते हुए सारे शरीर में फैल जाता है और ज्वर की उत्पत्ति करता है। तो ये हो गया पित्त ज्वर की संप्राप्ति, ये बिल्कुल वात ज्वर की संप्राप्ति की तरह ही है। अगर किसी को ना समझ आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता दें, मैं वापस से ज्वर पर एक वीडियो और बना दूंगी बेसिकली से संप्राप्ति पर। फिर उसके बाद आप देखिए पित्त ज्वर के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो पित्त ज्वर के लक्षण क्या होंगे, तो हमको पता ही है कि भाई एक साथ सारे, इसमें भी हमको क्या देखने को मिलेगा कि भाई एक साथ ये एक साथ सारे शरीर में ज्वर का होना और बढ़ना, उसमें हमको क्या देख रहा था विषम आरंभ, यानी कभी भी आ रहा था कभी भी जा रहा था। यहाँ पर जो ज्वर होगा वो एक साथ पूरे शरीर में आएगा, एक साथ बढ़ेगा और फैलेगा, ठीक है। विशेष रूप से भोजन के पचने के समय, तो बेसिकली जो पित्तज काल होता है, तो पित्तज काल कौन कौन से होते हैं, भोजन के पचने के समय, मध्यान्ह में, आधी रात में, शरद ऋतु जो होती है पित्त प्रकोपक काल है, हमको पता ही है। मुख के स्वाद का कटु होना, नख मुख कंठ ओठ और तालू का पक जाना, अधिक प्यास, मद चक्कर का आना, मूर्छा, पित्त का वमन, अतिसार, अन्न खाने की इच्छा ना होना, देह में पीड़ा होना, पसीने का आना, प्रलाप, शरीर के रक्तवर्ण के चकत्ते का निकलना, हरे रंग या हल्दी के रंग की नख। तो ये देखिए हमने आपको बताया था कि आप ये एक पॉइंट हर जगह लिख सकते हैं कि भाई नख नयन मल मूत्र त्वचा ये किस कलर की हो जाएगी, यहाँ पर किस किस कलर की हो रही है, तो हरे रंग या हल्दी के रंग की जो है ये सब हो जाएंगे। ताप का अधिक बढ़ जाना और दाह का अधिक अनुभव होना, शीतल पदार्थों की अधिक इच्छा होना, ये सब निदान जो है पित्त निदान यहाँ पर बताए गए हैं। तो ये आप लिख लीजिएगा, इसमें ऐसा कुछ भी स्पेसिफिक वैसे याद नहीं रखना है, आपको याद ही रहेगा। एक तो नख नख वाला पॉइंट जो आप लोग याद रखिएगा, और दूसरा मतलब कि उसमें जो है एक साथ सर्व शरीर में ज्वर आता है और जो है ज्वर बढ़ता है। फिर उसके बाद देखिए कफ ज्वर का निदान, तो कफ ज्वर का निदान भी ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, इसमें बस ये कि भाई अधिक स्निग्ध गुरु पिच्छल शीतल खट्टा नमकीन अगर हम इस प्रकार का खाना खाएंगे तो उससे क्या होगा कफ ज्वर का जो है ये निदान में आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए कफ ज्वर की संप्राप्ति, कफ ज्वर की संप्राप्ति बिल्कुल सेम है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। सयाद प्रकोपित प्रवेश आमाशय आमाशयाद ऊष्मणाम सा मिश्री भयाद आदि आहार परिणाम कर धातु रसनाम अनवित्य रस विद्वाइनी श्रोतांशी विधाय अग्नि उपत्य भक्ति स्थानम ऊष्मणाम बहिर् निरस्य केवलम प्रपीड़नम केवलम शरीरम अनुप्रपद्यते तथा ज्वर अभी निर्वर्त्यति। तो मैं आपको बार बार श्लोक पढ़ के इसलिए बता रही हूँ ताकि आप भी इसे याद करने के लिए इतना ही मोटिवेटेड हों और आप इसे याद करें ताकि आपको जो है अच्छा स्कोर एग्जाम में हो सके। तो पित्तज्वर की संप्राप्ति में भी वही बताया गया, सेम एज वातन पित्त सॉरी कफज्वर की संप्राप्ति जो है ये भी वात और पित्त की संप्राप्ति के जैसी है। आप पढ़ लीजिए, अगर आपको ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको वापस एक्सप्लेन कर दूंगी। इसके बाद देखिए कफज्वर के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो कफ ज्वर के लक्षण क्या होंगे, तो एक साथ ही शारीरिक शरीर में ज्वर का होना और बढ़ जाना, तो ये बिल्कुल पित्तज के समान हो गया है ना। विशेषकर भोजन करते समय, अब देखिए कफज काल कौन कौन से, तो भोजन करते समय तुरंत भोजन के तुरंत बाद, प्रातः काल में, रात्रि के प्रथम पहर में, वसंत ऋतु में जो है कफज ज्वर की कफ की वृद्धि होती है, तो इसीलिए जो है कफज ज्वर जो है उनके लक्षण इनमें मतलब ज़्यादा होने की संभावना रहती है। फिर शरीर में भारीपन, भोजन की इच्छा का ना होना, मुख को कफ मुख मुख से कफ का निकलना, मुख में पीड़ा का बने रहना है ना। फिर उसके अलावा मिचली का आना, हृदय के ऊपर कोई वस्तु लेप कर दिया गया ऐसा अनुभव होना गीले कपड़े से, ये तो ये प्रकार के जो लक्षण है ये कफ में आते ही आते हैं कि भाई ये शरीर है वो आपका जो है गीले कपड़े से ढका हुआ है, इस प्रकार से आपको प्रतीत हो रहा है ना। मुख में मीठापन आपको लग रहा है, भोजन खाने की इच्छा नहीं हो रही है, इस प्रकार के जो लक्षण होते हैं वो कफज ज्वर के लक्षण के अंतर्गत आते हैं। तो ये आप मन से भी लिख सकते हैं और कुछ स्पेसिफिक लक्षण आप याद भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप देखिए द्वंद्वज और सन्निपात ज्वर के निदान, तो हमको पता है कि द्वंद्वज और सन्निपात ज्वर क्या होते हैं। तो भाई जो वात और पित्त, जैसे वात और पित्त द्वंद्वज है, तो उन दोनों के लक्षण और संप्राप्ति निदान जिसमें होंगे वो द्वंद्वज में वात पित्त ज्वर होगा, और जिनमें तीनों दोषों के लक्षण दिखाई देंगे उस तरीके से सन्निपात ज्वर। तो जो इन तीनों के निदान है और इनकी जो संप्राप्ति है वो बाकी सबकी जैसी ही है, आप एक बार रीड कर लीजिएगा। बाकी कॉमन संप्राप्ति इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि निदान भाई वही होंगे जो बात है, तो दोनों को बढ़ना है और संप्राप्ति भी वैसी ही होगी, इसलिए ये मतलब द्वंद्व जो सन्निपात जो है वो उन तीनों के मेल से ही जो है बन जाता है, इसलिए इसकी अलग से जरा संप्राप्ति वगैरह नहीं बताई है। और अगर हम निदान की बात करें तो
अब हम चलते हैं, पढ़ते हैं आगंतुक ज्वर। तो 8 प्रकार के, जिस प्रकार से हमने पढ़े थे कि भाई वात पित्त कफ, वात पित्त पित्त कफ और वात कफ जो है ये, उसके अलावा एक 8वां कौन सा होता है, आगंतुक जो होता है, एक संधिपातष्टा 7वां और 8वां क्या था, आगंतुष्टा। तो आगंतुक ज्वर को देखते, तो इन्होंने आगंतुक ज्वर 4 प्रकार के बताए, कौन कौन से देखिए, अभिघातज, अभिशंगज, अभिचारज और अभिशापज, है ना। अभिघातज क्या होता है, तो मतलब किसी प्रकार की इससे चोट का लगना। अभिशंगज क्या होता है, मतलब किसी प्रकार से चोट लगने से अगर आपको ज्वर आ रहा है तो वो क्या होगा, अभिघातक ज्वर के अंतर्गत आएगा। अभिशंगज अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, शोक आदि के संसर्ग से अगर आपको ज्वर की उत्पत्ति हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं, अभिशंगज ज्वर बोलते हैं। अभिचारज क्या होता है, वैदिक या तांत्रिक मंत्रों द्वारा मारण, मोहन, उच्चाटन आदि क्रियाओं के प्रयोग से जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, अभिचारज ज्वर बोलते हैं। और अभिशापज नाम से समझ आ रहा है, अभिशाप, शाप मतलब श्रापित कर देना, तो ब्राह्मण, गुरु, वृद्ध, सिद्ध, है ना, अतिदान आदि के अधिक सताए हुए जो अंतरात्मा से निकले हुए शाप का जो कथन होता है उसको बोलते हैं अभिशाप का ज्वर। इन 4 कारणों से शरीर के पहले व्यथा उत्पन्न कर 8वां आगंतुक ज्वर उत्पन्न हो जाता है। हमने समझ लिया कि 4 प्रकार के होते हैं आगंतुक ज्वर, इनके कारण क्या होते हैं वो उनके भेद से ही आपको स्पष्ट हो जा रहा है मेरे हिसाब से, तो अलग से ऐसे याद करने की जरूरत नहीं। बाकी आप ये याद कर लीजिए कि 4 प्रकार के आगंतुक ज्वर होते हैं, उनके नाम क्या क्या होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से देखिए, इन्होंने 1 प्रकार और बता दिया कि भाई निज ज्वर और आगंतुक ज्वर। तो बेसिकली निज ज्वर और आगंतुक ज्वर होता क्या है, तो निज ज्वर का अर्थात क्या हुआ कि जो भाई दोष, मतलब ऐसा ज्वर जो अंदर से उत्पन्न हो रहा है, मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि भाई हमने निदानों का सेवन किया, फिर उसके बाद क्या हुआ कि दोष प्रकोपित हुए, फिर उसके बाद से दोषी को उन्होंने दूषित किया और उसके बाद से उन्होंने ज्वर की उत्पत्ति करी। तो ये हमारा निज ज्वर यानी अंदर से उत्पन्न हो रहा है। और आगंतुक ज्वर मतलब जैसे अभिघात ज्वर की, कोई अभिघात लगा उसके कारण से बॉडी में हीट बाहर से फैली, उसके कारण से ज्वर की उत्पत्ति। तो ये क्या हो गया, अभिघात आगंतुक ज्वर की श्रेणी में आएगा। तो एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं डिफरेंस को, कि भाई निज ज्वर और आगंतुक ज्वर में जो डिफरेंस है वो क्या कहते हैं। तो तुम देखिए, आप निज ज्वर में मिथ्या आरवीआर से, और आगंतुक ज्वर कैसे होता है, अभिघात अभिशंगज इन कारणों से। फिर निज ज्वर क्या होता है, शरीर में दोष पहले कोपित होते हैं, बाद में लक्षण उत्पन्न होते हैं। आगंतुक ज्वर में क्या होता है, शरीर में पहले लक्षण उत्पन्न होते हैं और बाद में दोष कोपित होते हैं। तो ये आपको ये मेजर डिफरेंस है कि मतलब पहले उसमें दोष कोपित हो रहे हैं फिर लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं, यहाँ पे पहले कोपित हो रहे हैं फिर लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं। फिर उसके बाद से ये क्या हो गया कि दोष दोष के ये 8 प्रकार, ये 7 प्रकार का होता है और ये अनेक प्रकार का हो सकता है ना। आगंतुक ज्वर तो कैसा भी हो सकता है भाई, कोई भी चीज़ छू जाए तो वो आगंतुक। इन्होंने बेसिक 4 कैटेगरी बता दी है, उसके अलावा वो कितने भी प्रकार का हो सकता है ना। फिर उसके बाद से चिकित्सा दोष अनुसार होती है, और उसमें चिकित्सा क्या होती है, कारण अनुसार। तो ऑब्वियस ही बात, उसमें दोष अनुसार होगी क्योंकि दोष की उत्पत्ति से हो रहा है, और ये किसकी उत्पत्ति से हो रहा है तो किसी कारण की उत्पत्ति से हो रहा है। तो ऑब्वियसली इसमें पहले जो है कॉज को सबसे पहले हम ट्रीट करते हैं, इसलिए इसमें सबसे पहले जो है कारण अनुसार जो है हम ट्रीट करेंगे आगंतुक ज्वर को। तो हम अभी तक आगंतुक ज्वर के बारे में बात कर चुके हैं, अब हम आगे आते हैं और हम पढ़ते हैं कि इसमें यहाँ पे देखिए टेबल दी हुई है, तो आप इस टेबल से देख सकते हैं कि भाई ज्वर होता है 2 प्रकार का, निज ज्वर, आगंतुक ज्वर। फिर निज ज्वर 3 प्रकार का, एक दूसरे दूसरे संधिपात और आगंतुक ज्वर जो होता है अभिघातज, अभिशंगज, अभिचारज और अभिचारज, है ना। हालांकि ये टेबल आप वैसे रोगनिदान जब आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी, क्योंकि इन्होंने जो है संधिपात ज्वर में जो सबसे पहले इन्होंने विषम ज्वर का 1 प्रकार बता दिया, और फिर सतत संतत अनिर्देशक व्यक्तियों का जो होता है इनके 5 प्रकार बता दिए हैं। तो ये जब आप रोगनिदान पढ़ेंगे तो उसमें आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि भाई संतत ज्वर क्या होता है, सतत ज्वर क्या होता है, अनिर्देशक ज्वर क्या होता है, तृतीयक ज्वर क्या होता है, चतुर्थक ज्वर क्या होता है, है ना। वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और फिर उसके बाद से एक दोषज में देखिए वातज पित्तज कफज, वही जो हमने पढ़ रखे हैं वही इसमें आपके मेंशन किए गए हैं। इसके बाद देखिए ज्वर के सामान्य रूपों का वर्णन, सामान्य पूर्व रूप का वर्णन आचार्य चरक ने किया है। तो देखिए, तो ज्वर के सब पूर्व रूप क्या क्या है, तो मुख से मुख के स्वाद में पीकापन का अनुभव होना, शरीर में भारीपन का, आहार विहार की इच्छा ना होना, नेत्र व्याकुलता का रहना, है ना, आंसू वगैरह का निकलना। तो जो बेसिकली हमें ज्वर में जब हमें खुद फीवर आते तो हमें क्या क्या उसके पूर्व रूप दिखाई देते हैं, उसी तरीके के कुछ पूर्व रूप हैं जो आप देख लीजिए कि बिल्कुल सिमिलर ही हैं। तो निद्रा का अधिक रूप में आना, बेचैनी, जरम्बा का आना, है ना, शब्द, शीत, वात, धूप, इनको सहन ना कर पाना, भोजन को अच्छा ना लगना, हमको भोजन अच्छा नहीं लगता, अन्न में अरुचि होती है, दुर्बलता, है ना, अंगमर्द, सदन, शब्द, शीत, वात, धूप, इनको सहन ना करना, भोजन का अच्छा ना लगना, अन्न का ना पचना, दुर्बलता, अंगमर्द, सदन, मानसिक दुर्बलता, दीर्घसूत्री होना, आलस्य, उचित अभ्यस्त कार्यों का ठीक से ना कर पाना, अन्य प्रत्येक कार्यों को उल्टा करना, अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों में को उचित में दोष देखना या ना मानना, बालकों से द्वेष करना, अपने लिए नित्य नैसर्गिक धार्मिक क्रियाओं विषम। तो ये आप सभी जो है एक बार आप हिट कर लीजिएगा। मेरे को लगता है कि ज्वर के सामान्य पूर्व रूप सभी लोग आराम से ले सकते हैं, क्योंकि ज्वर इसने लगभग लगभग सभी लोगों ने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होता है, तो आप इसके पूर्व रूप बहुत आराम से लिख सकते हैं, ठीक है।
फिर उसके बाद से जो है आचार्य चरक ने यहाँ पर जो है ज्वर की महत्ता बताई है। तो इन्होंने यहाँ पर बताया कि भाई किस प्रकार से जो है रुद्र के कोप से जो है कृति हुई है, तो आप ये पढ़ लीजिएगा। इसमें जो है इम्पोर्टेंट मैं बता दे रही हूँ कि श्लोक में क्या क्या है। तो एक तो ये आप देख लीजिए कि भाई महेश्वर को प्रभवा, ये आप याद कर सकते हैं। सर्व प्राण व्रताम प्राण होरु, ये आप याद कर सकते हैं। देह इंद्रिय मन संताप कर, ये आप याद कर सकते हैं। हर्ष उत्साह रास कर, ये आप याद कर सकते हैं। कि ज्वर जो होता है क्या ज्ञा प्रभा प्रज्ञा बल वर्ण और हर्ष, ये पूरा एक ही टर्म है। तो इतना आप याद कर सकते हैं कि भाई ज्वर की महत्ता में, और बाकी आप हिंदी टर्मिनोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। आप इसको पढ़ के देख लीजिएगा, इसमें ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं लिखा है। इसमें बेसिकली ज्वर का जो है कैसे उसकी उत्पत्ति हुई है, मतलब उसका जो है, हालांकि उसका जो बेसिक है वो यही है कि भाई महेश्वर के कोप से जो है ज्वर की उत्पत्ति हुई है, और उसके अलावा क्या क्या है तो वो आप सारा यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ आता तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। उसके बाद देखिए चिकित्सा सूत्र, तो ये कहीं कहीं पर पूछ लिया जाता है कि भाई ज्वर का चिकित्सा सूत्र क्या होता है। हालांकि हमारे सेकेंड ईयर के सिलेबस में जो है चिकित्सा नहीं है, वो थर्ड ईयर में है, बट फिर भी किसी किसी उसमें जो है हमें ज्वर का वो पूछ लिया जाता है पूर्व रूप, मतलब ज्वर की सामान्य चिकित्सा पूछ ली जाती है। तो आप एक बार ही देख लीजिए ज्वर की सामान्य चिकित्सा, हम पढ़ लेते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि भाई ज्वर के पूर्व रूप में हल्का भोजन करना चाहिए, उपवास करना चाहिए। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि हल्का भोजन और क्या करना चाहिए, उपवास करना चाहिए, है ना। तो हल्का भोजन उपवास करना चाहिए, क्योंकि ज्वर आमाशय से ही उत्पन्न होता है। इसके बाद दोषों के अनुसार कषायपन, अभ्यंग स्नेहन छेदन, अभिषेक, इन सब चीज़ों का जो है अपन को युक्तिपूर्वक प्रयोग करना रहता है, है ना। तो बेसिकली इसमें सभी प्रकार के आपको जो है मतलब पंचकर्म बताए गए हैं और शमन शोधन दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं बताई गई हैं। तो क्वेश्चन आता है कि भाई ज्वर का चिकित्सा सूत्र उसमें क्या क्या बताया गया, एमसीक्यू क्वेश्चन भी उठता है यहाँ से कि भाई हल्का भोजन और उपवास क्या, ये दोनों पूछे गए, तो आपको बताना, आपको बोथ ऑफ दी अबव में टिक करना होगा, क्योंकि दोनों ही चीज़ें जो हैं ज्वर की चिकित्सा में बताई गई हैं। फिर उसके बाद देखिए जीर्ण ज्वर में घृत का महत्व, तो इन्होंने बताया है कि अगर किसी को जीर्ण ज्वर है तो आपको उसको क्या देना है, घृत देना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई जीर्ण ज्वर में जो है क्या देते हैं, तो घृत का पान कराते हैं। तो देखिए दोषों के अनुसार औषध प्रकार के घृत का प्रयोग सभी जीर्ण ज्वर में कराना चाहिए, क्योंकि घृत स्नेह के कारण वात दोष को, संस्कार कारण कफ को, और शीत होने से पित्त एवं उष्णा को शांत करता है। तो ये आपको ध्यान रखना पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि घृत जो होता है वो स्नेह के कारण किसको नाश करता है, वात को, स्नेह के कारण वात दोष को, संस्कार से कफ दोष को, और शीत होने से क्या करता है, पित्त और उष्णा को शांत करता है। तो ये आप ध्यान रखते, तो कौन सा गुण जो है कौन से दोष को जो है शमन कर रहा है, तो ये आपको ध्यान रहेगा। उसके अलावा सभी स्नेहों में घृत उत्तम है, तो ये अपन को पता ही है कि भाई जो सभी स्नेह हैं जिसमें से घर घृत उत्तम है, क्योंकि वो जो है संस्कारों का अनुवर्तन करता है। तो यहाँ पे जो है हमारा जड़ निदान जो है वो खत्म होता है। अब हम दूसरे वीडियो में जो है हम रक्त पित्त की व्याख्या करेंगे। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर किसी को ज़रा सी भी कुछ प्रॉब्लम है या फिर किसी को नहीं समझ आ रहा है या कोई डाउट है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।